तो नाम में क्या रखा है बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोबाइल से ज़मीन कैसे मांगे। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ज़मीन नाप सकते हैं। आपका कोई खेत है, कोई प्लॉट है, आप अपने मोबाइल से बड़ी ही आसानी से माप सकते हैं, ठीक है ना। कैसे मापना है सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है अपने मोबाइल में। प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने सर्च कर लेना है एरिया कैलकुलेटर। एरिया कैलकुलेटर आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती हैं। जहाँ पे जो तीसरे नंबर पे है ये वाली एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, मैंने यूज़ करके देखा है, ठीक है ना। एक दो एप्लीकेशन और भी मैंने यूज़ की थी, मुझे ये एप्लीकेशन सबसे बढ़िया लगा, ठीक है ना। आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसे इंस्टॉल करने के बाद कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपने अपने मोबाइल का GPS पहले ही ऑन रखना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, ठीक है ना। GPS ऑन है अगर तो ये वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे हूँ मैं ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको मैं सैटेलाइट में कर लूँगा। ऊपर देखिए मैप टाइप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसे इसमें कुछ ऐड आते हैं, इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ देखिए सैटेलाइट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। वो इसलिए ताकि मुझे मेरा खेत दिखाई दे सके जो मैं नापना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे खेत दिखाई दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे ये वाला इस खेत की लंबाई मापनी है, जो ये वाला दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, अब इसके एक कोने पर टच कर देना है। टच किया, उसके बाद दूसरे कोने पर टच कर देना है। दूसरे पर टच करने के बाद ऊपर देखिए इसकी लंबाई दिखाई दे रहा है, 62 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने चेक कर लिया, इसी तरह से आप चौड़ाई भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मीटर में दिखा रहा है आप इसको, तो अगर आप फुट में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जहाँ एक पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करके, यहाँ देखिए FT लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये बता देगा कितनी लंबाई है। पहले मीटर में बताया था, ये देखिए अब फुट में बता रहा है 206 फुट इसकी लंबाई है। इसी तरह से आप चौड़ाई भी नाप सकते हैं, ठीक ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।